सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। हाल ही में बाजार में एक IPO आया था। इसमें पैसा लगाने वाले निवेशक तो मालामाल हुए ही, लेकिन IPO के बदौलत कंपनी के मालिक भी अरबपति बन गए। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इनका नाम है प्रदीप राठौर। प्रदीप राठौर सेलो वर्ल्ड कंपनी के चेयरमैन हैं। इन्हें कैसरोल किंग भी कहा जाता है। खाने को गर्म करने के लिए ज़्यादातर घरों में इसी कंपनी के कैसरोल का इस्तेमाल होता है। पापा का लंच बॉक्स हो या बच्चों का लंच बॉक्स, यह सेलो हर घर की पसंद बन चुका है। इसके अलावा ये कंपनी प्लास्टिक का फर्नीचर भी बनाती है। फोर्ब्स की लिस्ट बताती है कि सेलो वर्ल्ड कंपनी में प्रदीप राठौर की हिस्सेदारी 44% है। उनकी हिस्सेदारी का मूल्य अब बढ़कर $1 अरब पहुंच चुका है। रुपए में कहें तो करीबन 8300 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही राठौर अब भारत के अरबपति लीग में शामिल हो गए हैं। प्रदीप राठौर के पिता घिसुलाल राठौर ने 1974 में सेलो वर्ल्ड की नींव रखी थी। शुरुआत में कंपनी जूते, चप्पल और चूड़ियां बनाती थी। कंपनी ने 1980 में कैसरोल बनाने शुरू किए। घिसुलाल ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पहली बार कैसरोल देखा था, जिनमें खाने को गर्म और ताज़ा बनाए रखने के लिए रखा जाता था। इसके बाद उन्होंने कैसरोल को भारतीय बाजार में उतारा। शुरुआत में कंपनी प्लास्टिक के छोटे मोटे सामान बनाती थी, लेकिन प्रदीप राठौर ने भाई पंकज के साथ मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। आज की तारीख में सेलो का कारोबार 3 कैटेगरीज में फैला है। कंपनी घर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के सामान के अलावा लिखने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि पेन और स्केच वगैरह भी बनाती है। इसके अलावा कंपनी मोल्डेड फर्नीचर भी बनाती है। 2017 में सेलो ने ग्लास वेयर और ओपल वेयर मार्केट में भी एंट्री की। सेलो ब्रांड के तहत कंपनी ने बाजार में अपने प्रोडक्ट्स का विस्तार किया। आपको बता दें कि 6 नवंबर को सेलो वर्ल्ड का IPO लॉन्च हुआ था। लिस्टिंग के दिन ही कंपनी का शेयर 22% चढ़ गया था। इससे कंपनी के IPO में पैसा लगाने वालों की जमकर कमाई हुई। न सिर्फ कंपनी के निवेशकों की बंपर कमाई हुई, बल्कि कंपनी का मार्केट वैल्यू भी 16,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। कंपनी ने 617 से 648 रुपए के भाव पर IPO लॉन्च किया था। इसको बाजार से ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और यह करीबन 38 गुना सब्सक्राइब हो गया था। सेलो ने इसी साल 285 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कंपनी के फैक्ट्रियां उत्तराखंड, दमन, हिमाचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हैं। इसके अलावा दमन, हरिद्वार, बद्दी, चेन्नई, कोलकाता में भी कंपनी के प्लांट लगे हुए हैं। अब कारोबारी दुनिया से जुड़ी एक और ज़रूरी खबर की तरफ रुख करते हैं। नमकीन, भुजिया और रसगुल्ले बनाने वाली कंपनी बीकानेर वाला, उसके फाउंडर और चेयरमैन केदारनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है। वो 86 वर्ष के थे। बीकानेर वाला कंपनी ने एक बयान में कहा है कि काका जी के नाम से मशहूर केदारनाथ अग्रवाल का निधन एक युग का अंत है। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बाल्टी में भुजिया और रसगुल्ले बेचने से लेकर बीकानेर वाला को मिठाई और स्नैक्स का मशहूर ब्रांड बनाने में केदारनाथ अग्रवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए बीकानेर वाला के सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं। बीकानेर वाला के फाउंडर केदारनाथ अग्रवाल को लोग काका जी के नाम से भी बुलाते थे। उनकी पहली दुकान बीकानेर में थी। वो बीकानेर के रहने वाले थे। उनके परिवार के पास एक मिठाई की दुकान थी। उस दुकान का नाम बीकानेर नमकीन भंडार था। दुकान में मिठाइयाँ और स्नैक्स बेचे जाते थे। ये दुकान बीकानेर में साल 1905 से थी, लेकिन काका जी के सपने बहुत बड़े थे, इसलिए 1950 के दशक की शुरुआत में वो अपने भाई सत्यनारायण अग्रवाल के साथ दिल्ली चले आए। दोनों ने यहाँ अपने परिवार की रेसिपीज के हिसाब से नमकीन और रसगुल्ले बनाना शुरू किए और उनको पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बेचना शुरू किया। दोनों ने बहुत मेहनत की और दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान खोल ली। दुकान में नमकीन और रसगुल्लों के अलावा मूंग दाल हलवा, बीकानेरी भुजिया, काजू कतली जैसी चीज़ें बनने लगी। ये सभी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आई। जल्दी ही दोनों भाइयों की दुकान बीकानेर वाला के नाम से फेमस हो गई। काका जी ने अपने भाई के साथ 1956 में दिल्ली की सड़कों पर बाल्टियों में रसगुल्ले और नमकीन बेचना शुरू किया था। उसी समय काका जी के दूसरे भाई जुगल किशोर अग्रवाल भी दिल्ली आए। उन्होंने केदारनाथ से कहा कि उन्हें बीकानेर का नाम रोशन करने के लिए भेजा गया था और ये क्या नाम बीकानेर भुजिया भंडार रख दिया है। उसके बाद से दुकान का नाम बीकानेर वाला नाम रख दिया गया। साल 1962 में काका जी ने दिल्ली के मोती बाजार में पहली दुकान खरीदी। यहाँ शुद्ध देशी घी की मिठाइयाँ मिलती थी। ये दुकान बहुत जल्दी फेमस हो गई। साल 1972-73 में करोल बाग में एक और दुकान ली गई। ये स्टाफ भी बीकानेर से बुलाए गए थे। आज की तारीख में ये दुकान बीकानेर वाला की सबसे पुरानी दुकान जानी जाती है। साल 1988 में बीकानेर वाला को बढ़ाने के लिए बीकानो लॉन्च किया गया और इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाया गया, यानी दुनिया भर के बाजारों में बेचना शुरू किया गया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बीकानेर वाला ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने काका जी के निधन पर कहा, काका जी का जाना सिर्फ बीकानेर वाला के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि ये पाक कला की दुनिया का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है।
उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व हमेशा हमारी पाक यात्रा का मार्गदर्शन करती रहेगी। आपको बता दें कि केदारनाथ अग्रवाल के 3 बेटे हैं, राधे मोहन अग्रवाल, नवरत्न अग्रवाल और रमेश अग्रवाल। ये परिवार के साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश और दुनिया में बीकानेर वाला और बीकानों के नाम से 150 से ज़्यादा आउटलेट हैं। अमेरिका, दुबई, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल आदि देशों में भी बीकानेर वाला की दुकान आपको दिख जाएंगी। कंपनी का टर्नओवर करीबन 1300 करोड़ रुपए है और उसमें 1000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये बुलेटिन हमारे साथी प्रदीप यादव ने लिखा था। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।